आईपीएल के अपने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटंस ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। क्वालिफायर के पहले मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर आईपीएल के फाइनल में अपना जगह बनाई। अभी राजस्थान रॉयल्स के पास फाइनल में पहुंचने के लिए एक और मौका है। इससे पहले मंगलवार को ईडन गार्डन्स में हुए पहले क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 189 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रही और सलामी बल्लेबाज वृद्धिमान शाह ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद शुभमन गिल और मैथ्यू वेड के बीच 72 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई, लेकिन शुभमन गिल 35 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद वेड भी 35 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या नाबाद 40 रन और डेविड मिलर नाबाद 68 रन के बीच मैच जिताऊ साझेदारी पनपी, जिसने गुजरात को जीत तक पहुंचाया। अंतिम ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 16 रनों की दरकार थी, लेकिन डेविड मिलर ने लगातार 3 गेंदों पर छक्के लगाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया।